हिंदू है ना, हिंदू, वो बड़ी साजिशें कर रहा है यार। हम तो काफिरों से लड़ना चाहते थे, हम तो यहूदियों से लड़ना चाहते हैं, हम तो गजवाए बदर, गजवाए हिंद करना चाहते हैं। तो सर ये गजवाए हिंद मुसलमानों में नहीं हो रही, हम काफिरों को क्या पूछेंगे, काफिर तो फिर बुरा मन बैठे हुए हैं। सर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि साहब ये तो भारत की साजिश है, ये भारत की साजिश है, भारत ने हथियार दिए, भारत ने ये दिया वो दिया, पैसा दिया, ऐसा दुनिया भर की चीज़ें है ना। शुरू से ही एक फिरका वारियत में डाल दिया गया है कि ईरानी जो है वो शिया है, सऊदी अरब जो है वो वहाबी है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चाइना को फिर आप काफिर बोलते हैं? नहीं नहीं, चाइना काफिर नहीं है, वो काफिर नहीं है, ये आपने क्या बात कर दी? नहीं नहीं, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। जुलाई से बिजली महंगी कर दी जाएगी, बदले में IMF से 1 अरब 10 करोड़ की किस्त मिलेगी। देखें अब हमें ना इन चीज़ों से लड़ाई, इंडिया से लड़ना है, मार कर उनको मारना है, इनसे हम लड़ाई करेंगे, इनको ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि अब तो साढ़े मुसलमान प्रा ही आ गए हैं काबुल, अब ये हमें दिलाएंगे कश्मीर। गलत कह रही हो कि उनके बिलीव सही नहीं है, उनको हिस्ट्री नहीं जब अपने पता, तो वो बिलीव कैसे सही रख सकते हैं अपने? हमारी हिस्ट्री पता है? हाँ जी, कौन सी हिस्ट्री पता बताए, हमारी हिस्ट्री कब से शुरू होती है? इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात। लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को देख, असल में ना यहूदी लॉबी है जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि किसके रूट्स खराब है, किसने हक दिया है हमें? हमें अकल है, हमें अकल है। अगर हमें अकल है तो देखिए, अगर हम इतने पक्के हैं, इतने सच्चे मुसलमान हैं, तो यहाँ मैं दुपट्टे के बगैर आप वेस्टर्न में खड़ी ना होती। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम सुनने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक को, जो ये चर्चा कर रही थी कि भैया पाकिस्तान को तो बनाया गया था काफिरों से लड़ने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, ईरान इनको जो है ना एयर स्ट्राइक करके ठोक रहा है, तो पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमको गजवाए हिंद करना है, दूसरी तरफ जो है ना अफगानी इनको मार रहे हैं, एक तरफ ईरानी इनको मार रहे हैं, कहीं इनकी बन नहीं रही है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, आप सभी से निवेदन करूँगा कि वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम तो काफिरों से लड़ना चाहते थे, हम तो यहूदियों से लड़ना चाहते हैं, हम तो गजवाए बदर, गजवाए हिंद करना चाहते हैं। तो सर ये गजवाए हिंद मुसलमानों में नहीं हो रही, हम काफिरों को क्या पूछेंगे, काफिर तो फिर बुरा मन बैठे हुए हैं। इंडिया के बॉर्डर पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आ रही, ना वो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को देख। बस यही वाली बात है ना, वो इलामा इकबाल ने कहा है ना कि ये तमद्दुन में वो एक शेर है कि इनको देख के शर्माएं यहूद, वो वाली बात ही लग रही है मुझे कि इनको देख के यहूद भी शर्मा रहे हैं कि ये हरकतें जो कर रहे हैं वो क्यों, कैसे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। कभी भी आपकी ज़िंदगी, आप हमारे नबी की तालीम पढ़ें उसमें हंसना, उनमें कभी भी आपको एक्सट्रीमिज्म नज़र नहीं आएगा, उन्होंने कभी इसकी तालीम दी नहीं है। ये लोग उस तरफ निकल रहे हैं तभी एक दूसरे को मार रहे हैं, इनके नज़रियात में इख्तलाफ इसलिए आ रहे हैं, समझें बात को। हाँ से अफगान और ईरान पाकिस्तान के दुश्मन हुए हैं, अगर हम देखें तो मुस्लिम ममालिक में भी कोई ऐसा मुस्लिम ममालिक नहीं है जो कि पाकिस्तान को उस तरह से प्रायोरिटी या वैल्यूएबल समझे, क्योंकि इस टाइम करंट सिचुएशन में हम माने ना माने सिक्का सिर्फ इंडिया का चल रहा है। दुबई हो, जो सऊदी गल्फ, मिडल ईस्ट या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वो इंडिया के साथ लेन देन, अच्छे ताल्लुक, हर चीज़ करना चाहते। क्या वजह है कि उनको वैल्यूएबल समझा जा रहा है, क्या ऐसा किया है इंडिया ने? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब बात सारी ये है कि मैं आपको मेरा अपना नज़रिया है। देखें अब हमें ना इन चीज़ों से लड़ाई, इंडिया से लड़ना है, मार कर उनको मारना है, इनसे हम लड़ाई करेंगे, इनको ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। वी हैव टू बी वेरी जो है ना प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, हम ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं, वो लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। क्या वजह है कि उन्होंने तालीम और इन चीज़ों को सीखा है, हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि नहीं नहीं फाड़ लो मारो, फाड़ लो मार लो, ये वाले काम नहीं करने, पढ़ाई करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़िंदगी में चीज़ें सीखो, ठीक है। कंप्यूटर्स की स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, हम अभी तक सिर्फ ड्रामेबाजियों में लगे हुए हैं, इन चीज़ों में हमें आगे निकलना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना आज आप देख लें कि हम एक एक रुपए के लिए, एक डॉलर के लिए जलील हो रहे हैं, अब तलवे चाट रहे हैं आप IMF के ख्याल। हाँ से बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, हमारे तलीम वगैरह पे उस तरह से बजट नहीं लगता, लेकिन अगर हम देखें तो क्या इतने खतरा सिर्फ इंडिया से हैं, जिस तरह से ईरान और अफगानिस्तान भी तो हम पे हमले कर रहे हैं, लेकिन इंडिया तो पूरा मन बैठा हुआ है, इंडिया को किसी से लेना देना है और ना किसी मुल्क को इंडिया से लेना देना है, क्या आपको नहीं लगता? हमें, मैं आपको बताऊँ, हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, हमें अंदर के दुश्मन से खतरा है, उन्हीं को हमें ठीक करना है, ठीक है ना, हमें अपने अंदर के दुश्मन से खतरा है, इंडिया से भी खतरा नहीं है, अफगानिस्तान से भी खतरा, अपने आप को अंदर से हम ठीक कर लेंगे ना, जब अपनी तालीमात और वो, मैं मेन बात बता रहा हूँ कि जो
सही रूह है ना हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग की, अगर उसको फॉलो कर लेंगे ना आप एक्सेल कर जाएंगे लाइफ में। लेकिन अगर आप एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाएंगे ना कि नहीं ये वो इस तरह के बातों में पड़ जाएंगे कि ये है ऐसा करता है पंजाबियों का, वो हिल रही है गुंदी है तो हिल भी रही है, तो वो वाले मामलात करना शुरू कर देंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते आप। अभी मुस्लिम ममालिक में 56 या 57 मुस्लिम ममालिक है, पाकिस्तान सिर्फ ऐसा मुल्क इस टाइम मुस्लिम ममालिक है जो कि थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमी में लूज़ है या हर चीज़ में लूज़ नज़र आ रहा है। अगर हम दूसरे यूरोप वाली साइड पर जाएँ तो सब इस टाइम इतने मजबूत है, इसराइल इंडिया रशिया या फिर अमेरिका वगैरह सब मजबूत है, बल्कि वो मुसलमानों पर काबिज़ हैं किस तरह से ट्रेड में लेन देन में हर चीज़ में वो उनसे ज़्यादा मजबूत है। क्या वजूहत है कि सारे इस टाइम यूरोपियन या फिर यहूदी या काफिर जो हैं वो इतने मजबूत हुए? मैं आपको बताता हूँ मेन वजह, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि मेन वजह तालीम है। हमें तालीम आम करनी है, लोगों को तालीम सस्ती करनी है। जी उन्होंने वो कहते हैं वो उनकी एक पॉलिसी है कि आप एक पैनी अगर एजुकेशन पे लगाएंगे ना तो आपको 1 करोड़ रुपया उसके एवज़ में मिलेगा। हमारे यहाँ किताब से लोगों को शौक ही नहीं, किताब की दुकान खाली पड़ी होती है, कपड़ों की दुकान भरी होती है। तो जब ये इस किस्म का आपका माइंडसेट होता है ना फिर ज़िंदगियों में लोग कौमें आगे। यहाँ पर बड़ी मशहूर है किताबें जो हैं वो ज़मीन और भट्टों पे लगाई जाती हैं और जो कपड़े हैं वो शीशे के अंदर शोपीस बना के लगाए। क्वाइट राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सोचने वाला आदमी है, ये हमारे लिए बहुत जिसे कहते हैं ना मकाम है समझने का सोचने का कि ये क्या हो रहा है। डॉलर को छोड़ो, हम डॉलर पर पेशाब करते हैं, ख्याल का इजहार है। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। जाना मुजाहिद है, उनके बिलीव्स के जो रूट्स ही खराब है तो वो कैसे मतलब वो चलेंगे? मुझे इनके रूट्स खराब है, हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि किसके रूट्स खराब है, किसने हक दिया है हमें? हमें अकल है, हमें अकल है। अगर हमें अकल है तो देखिए, अगर हम इतने पक्के हैं इतने सच्चे मुसलमान हैं तो यहाँ मैं दुपट्टे के बगैर आप वेस्टर्न में खड़ी ना होती। अब अगर कोई उठकर हम ये बातें कर रहे हैं, हमें सोशल मीडिया के, एक मिनट, हमें सोशल मीडिया आएंगे उसके नीचे कमेंट्स आएंगे कि ये इतनी पक्की मुसलमान है, इनको अपनी हिस्ट्री पता है, तो ये कहीं से मुसलमान लग तो नहीं रही अपने लिबास से। अगर हमें ये कोई कहे तो हमें कैसा लगेगा आप बताएं? क्योंकि देखिए ह्यूमैनिटी, अगर वो हम जैसे अगर ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ देखें तो ह्यूमैनिटी फिर उसको वहाँ भी शो करनी चाहिए। क्या ह्यूमैनिटी वहाँ शो नहीं की? वहाँ पे अगर पूरा कश्मीर एक एक बंदे छोटे छोटे बच्चों पर वो इतने जुल्म कर रहे हैं, उस तरफ तो वो आ नहीं रहे। इस तरह एक छोटी सी ह्यूमैनिटी एक साइड पे दिखा के अपने आप को सेफ साइड पे करने वाली बात है ये तो। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीरियों ने पाकिस्तान को धो दिया, आपको पता है? उन्होंने कहा हमारा कश्मीर है, हम तो बहुत खुश हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी नहीं, ये गलत बात है। चाइना हमारे साथी है, हमारे लिए हर वक्त जान देने के लिए तैयार है। दे नहीं फिर देता है? दे नहीं फिर। अब हम आवाज दें, हुक्मरान आवाज दें, चाइना पहले खड़ा होता है। चाइनीज इस वक्त शहीद हुए हैं पाकिस्तान के लिए? ये मुझे मालूम नहीं, नहीं मालूम, क्योंकि हुए ही नहीं। कोई मालूम आते नहीं है। दुनिया चाइना को ठोक कह रही हूँ ना कि आप पर्सनली तो किसी को जज नहीं कर सकते। पर्सनली कर भी नहीं रही, मैं नेशन को जज कर रही हूँ। नेशन को भी हम किसी के जज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब वहाँ पर LGBTQ वगैरह के राइट्स दिए जाए ना और ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम जज कर सकते हैं। लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्वीर राइट्स, पाकिस्तान में रेड लाइट एरियाज नहीं है? रेड लाइट की कहाँ से जो है ना वो अपने मफाद के लिए काम करेगा। अच्छा, चाइना को फिर आप काफिर बोलते हैं? नहीं नहीं, चाइना काफिर नहीं है, वो चाइना काफिर नहीं है, ये आपने क्या बात कर दी? नहीं नहीं, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है तो काफिर नहीं है? नहीं काफिर नहीं है, नहीं नहीं, उसमें बड़े बड़े मुसलमान रहते हैं। मैं जानता हूँ मुसलमानों का वो क्या हाल करते हैं, आपको पता है? नहीं नहीं, वो चाइना के लोग कितने हजार जो है हज बैतुल्ला शरीफ पर जाके उम्रे और हज करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भी देखा है। अगर हम यहाँ पर बात करें ना गजवाए हिंद के बारे में तो ये जो ख्वाब है ना ये हर पाकिस्तानी को बताया जाता है, दिखाया जाता है, शुरुआत से लेकर अभी तक इनके जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके जो नेता है, वो एक आम पाकिस्तानी को ये ख्वाब ज़रूर दिखाते हैं क्योंकि इसके आड़ में जो है ना वो फिर पाकिस्तानियों को लूटते भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम सबको ही पता है कि हर 2-4 महीने के अंदर इनको IMF के पास जाना पड़ता है और किस्तें लेनी पड़ती है, तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों को अगर ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जाएगा तो फिर ये विकास मांगेंगे, फिर ये पूछेंगे, सवाल करेंगे नेताओं से। तो इससे अच्छा है कि इनको इस प्रकार की ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा दो, फिर कोई पूछने वाला ही नहीं है क्योंकि इनके अंदर वैसे भी जज्बा बहुत ज़्यादा है और इसी जज्बे में और इनको ये बता दो कि गजवाए हिंद करने वाले लोग हो आप तो ये करने वाले हो तो फिर इनको चाहिए क्या? फिर तो रोटी चाहिए, मिल ही जाएगी और विकास वगैरह से इनका कोई लेना देना है ही नहीं।
और दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर अफगान को लेकर, तो अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसमें अफगान तालिबान ने कहा है कि इन्होंने जो है ना हमारे सिविलियन को मारा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान ने बॉर्डर पर जो है ना फायरिंग खोल दी है, लगातार पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर फायरिंग की जा रही है। और खबरें ये भी आ रही कि कुछ पाकिस्तानी जो कर्नल हैं, कुछ जवान हैं, उनकी मौत भी हुई है यहाँ पर। तो इसी के ऊपर हमने ये वीडियो देखी है आपने, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।